भारतीय आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी अमृत महोत्सव जो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जगह जगह पदयात्रा, चित्र प्रदर्शनी, महापुरुषों के प्रतिमाओं को वंदन, रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता, स्वतंत्रता सैनिक आजी और माजी सैनिक के सत्कार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह तिरंगे और मिठाइयां बांटी जा रही है। शासन द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ची दूरबीण छाया प्रदर्शनी का स्थानिक मोर्शी रोड पर शासकीय विभागीय ग्रंथालय में भव्यता से आयोजन जारी है, जिसके अवधि 3 दिनों तक रहेगी। इस प्रदर्शनी का अनेक दर्शक लाभ ले रहे हैं। ये खुशी है कि ग्रंथालय विभाग ने इतना अच्छा एक उपक्रम हाथ में लिया है, जिसके होते हुए अब बच्चों को उसमें अवेयरनेस आएगा, अपना देश का इतिहास इन बच्चों को मालूम हुए, इस कारण से आज ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पे शुरू की है। तो अभी इनको मैं बोला कि इन्होंने सभी स्कूल कॉलेज वालों को बोला हुआ है कि आके देखे और बच्चों में ऐसा अवेयरनेस आए कि अपने देश के प्रति प्रेम जागरूक है, उसके लिए अच्छा एक काम कर रहे हैं। हमारे सभी नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से हुआ और उसमें कितने लोगों ने आहुति दी और किन कष्टों को झेलकर आज हम ये स्वतंत्रता उपभोग रहे हैं, इसकी जानकारी सभी पूरी नई पीढ़ी को होनी चाहिए, जिससे कि इसका महत्व उन्हें पता चले और देश के लिए लोगों ने किस तरह से बलिदान दिया और ये आज़ादी हमें किस तरह मिली, इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका महत्व उन्हें पता नहीं चलेगा। और इस देश के लिए जो जज्बा होना चाहिए वो अगर ऐसा उनके दिमाग में रहा कि आज़ादी हमें एकदम आसानी से मिल गई तो उसका महत्व न जानते हुए वो अपने मन से सब कुछ जिसे हम उच्छृंखलता कहते हैं इस तरह का बर्ताव पूरे देश में करने लगेंगे। मुझे इसका आनंद है कि देश की हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, सभी युवकों में देश के प्रति अच्छा जज्बा है, लेकिन अगर इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का उन्हें पता चले, उनके कष्टों का, उन्होंने दिए हुए बलिदानों का पता चले तो उसमें और ज़्यादा तीव्रता आएगी और देश के प्रति अपनी भावना, फिर वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, देश के लिए मुझे योगदान देना है और इस देश का किसी भी रूप से नुकसान हो इस तरह का बर्ताव या वर्तन मुझे नहीं करना है, ये भावना और तीव्र होकर इस देश के आगे जाने के लिए सहायभूत होगी। सरकार के साथ इसके बारे में निश्चित रूप से पत्र व्यवहार करेंगे और यहाँ मेरे पीछे ही अमरावती के भी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी भी प्रदर्शनी लगी हुई है, मुझे उन पर गर्व है और अमरावती के जो भी कुछ स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान है और जो कुछ दिखाने लायक है, जैसे आपने बताया हमारे यहाँ का कारागृह, उसके बारे में भी सरकार के साथ पत्र व्यवहार करें।